हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज आपके सामने निटिंग का और एक आसान एंड इस विंटर में बहुत ही यूजफुल होने वाला एक पैटर्न लेके आई हूँ। ये कैप का पैटर्न, यहाँ पे रिबिंग भी डबल आती है और विथ ईयर फ्लैप के साथ। एंड वीडियो के एंड में आपको किस एज में कैसे कितने फंदे डालने हैं वो भी मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे है ईयर फ्लैप के साथ एक विंटर कैप, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला एंड वो भी एक स्ट्रेट नीडल में बनाए जाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है इस तरह का ओसवाल का हल्का मोटा 2-ply का ऊल है एंड 9 नंबर निटिंग नीडल लिए हुए हैं। तो ये आपको टेक्सचर आप देखिए, ये यहाँ पे आपको इस तरह से मिलेगा ईयर फ्लैप विथ आई कॉर्ड एंड यहाँ पे ये रिबिंग वाला डबल बॉर्डर एंड यहाँ पे ये जो डबल बॉर्डर बना है मैंने डबल लेयर में, तो ये कुछ ट्रिक के साथ हल्का ट्रिक है यहाँ पे, इसको भी हम यूज में बताऊंगी। एंड ऑलरेडी ये ट्रिक मेरे चैनल पे अपलोड है, तो फिर एक बार इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है हल्का सा एक केबल पैटर्न है एंड यहाँ पे आपको परफेक्ट राउंड मिलेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही आसान, आप अगर बैठ के बनाओगे तो 1 या 2 दिन में ये फिनिश होने वाला पैटर्न है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये 3 ईयर से लेकर आराम से आप 7 to 8 ईयर बच्चे तक डाल सकते हो ये कैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है, लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैंने लिया है नंबर 9 निटिंग नीडल या 3.75 और यहाँ पे ओसवाल का 2-ply का हल्का मोटा ऊल है। तो हम यहाँ पे फंदे डालेंगे टोटल 90। तो यहाँ पे इस तरह से मैं एक स्लिप नॉट बना दूंगी। तो स्लिप नॉट के बाद हम यहाँ पे इतना लंबा आपको चाहिए टेल छोड़ के एक स्लिप नॉट बना देंगे और यहाँ पे इस तरह से फंदे नॉर्मल तरीके से जैसे हम फंदे डालते हुए जाएंगे। मैंने बेसिक्स निटिंग के चैनल पे, मेरे चैनल पे बेसिक्स निटिंग के सारे वीडियोस हैं, आप चाहे तो बेसिक्स देख सकते हो बिगिनर हो तो, कैसे अलग अलग तरीके से आप फंदे डाल सकते हो। तो इस तरह से हम यहाँ पे 90 फंदे डालेंगे। यहाँ पे टोटल 90 फंदे मैंने डाले हैं। तो ये जो टेल हम यहाँ पे इसको एक नॉट लगा देंगे ताकि ये निकले ना, ढीला ना हो। और यहाँ पर हम दो उल्टे दो सीधे के 2x2 का हम रिबिंग डालेंगे। एज स्टिच आप इस तरह से उतार लीजिए, एक सीधा हो गया, दूसरा भी हम सीधा बुन लेंगे, धागा आगे लेंगे और यहाँ पे 2 उल्टे पर्ल 2, फिर धागा पीछे लेंगे, फिर 2 सीधे 1 और 2, फिर धागा आगे लेंगे, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर 2 सीधे। इसी तरह से ये रो हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इसी तरह बुनते हुए हम एंड तक आ गए हैं। तो ये 2 हमने सीधे बुने, 2 ये उल्टे, फिर नेक्स्ट लास्ट के 2 सीधे, ये सीधे पे एंड हो गया है। तो ये row 1 कंप्लीट हो गया। जब ये टर्न करेंगे row 2, जो यहाँ पे सीधे पे एंड हुए थे यहाँ पे ये उल्टे बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम उन्हें उल्टे बुनेंगे। तो फर्स्ट स्टिच स्लिप कर दिया, नेक्स्ट स्टिच जो उल्टा दिख रहा है उल्टा हम बुनेंगे, ये 2 उल्टे हो गए। फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस सीधे दिख रहे हैं तो सीधे बुनेंगे,
फिर धागा आगे नेक्स्ट टू स्टिच उल्टे हैं तो उल्टे बुनेंगे। तो अब हम इसी तरह से जितना आपको लंबा बॉर्डर चाहिए उतना दो उल्टे दो सीधे के बॉर्डर हम बुनते हुए जाएंगे। तो इसी तरह से मैं कुछ लंबा बुन लूँगी। सो यहाँ पे मैंने टोटल 18 रोज तक के दो उल्टे दो सीधे के 18 रोज मैंने कंप्लीट किया है। अगर आप नाप के देखे होंगे तो अराउंड ये 3 इंच की लंबाई मैंने कंप्लीट की है। आप देखिए कितना बड़ा या छोटा बड़ा चाहिए आपको, 3 इंच या 4 इंच तक आप इसको बना सकते हैं। ईयर फ्लैप बच्चे के हिसाब से आप देखिएगा। और अब यहाँ पे ये डबल लेयर करेंगे हम, तो उसके लिए अब जब आपका 18 रो कंप्लीट होता है तब हमें यहाँ पे जो सीधी बुनाई है उसको हम उल्टा बुनेंगे। धागा आगे लिया, जो सीधी है उसके ऊपर मैं उल्टा बुनूंगी। इस तरह से ये उल्टा बुनेंगे, एक मिनट, ओके। तो ये उल्टा बुन लिया, जो हमारे नेक्स्ट टू स्टिचेस उल्टा दिख रहे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे। ये दो सीधे जो अब हम उल्टा बुनते जाएंगे, उल्टे के ऊपर सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा, दो अगेन जो सीधे दिख रहे हैं इसको हम उल्टा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट दो है इनको जो उल्टे दिख रहे हैं उनके ऊपर हम सीधा बुनेंगे। फिर ये उल्टे और ये सीधे, इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। इसी तरह बुनते हुए एंड पे आ गए हैं। तो ये लास्ट के दो स्टिचेस उल्टे के ऊपर सीधे बुने हमने और ये सीधे के ऊपर हमें उल्टा बुनना है। ये उल्टा बुन लिया, तो ये यहाँ पे उल्टे पे एंड हो गया है। ये फर्स्ट रो ही हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। आफ्टर 18 रो 19th रो हमें इस तरह से एडजस्ट करना है। बाद में आपको जैसे हमने सेकेंड रो पे यहाँ पे किया था सीधे के ऊपर सीधा उल्टे के ऊपर उल्टा, उसी तरह से हमें करना है। तो यहाँ पे जो उल्टे बने हैं यहाँ पे वो सीधे बन जाएंगे। अब जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही हमें 2x2 का रिबिंग करना है। जस्ट हमने एक ही रो पे उसको अल्टर कर दिया है, तो ये सीधा दिख रहा है तो सीधा बनेंगे दोनों, और नेक्स्ट दो उल्टे हैं तो हमें उल्टे बुनेंगे। फिर नेक्स्ट सीधे हैं तो सीधे बुनेंगे। तो अब हम हर रो अगेन 18 रो होने तक 2x2 का दो उल्टे दो सीधे का इसी तरह से हम बुनते जाएंगे। 19th रो पे ही आपको उसको पलट लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे उल्टा दिख रहा है और इसके ऊपर हमें सीधा बुनना है। इसी तरह से जो जैसे दिखता रहे उसी तरह हमें कंटिन्यू करना है अगेन 18 रो होने तक। तो इसी तरह से भी मैं 2x2 का रिबिंग यहाँ ऊपर भी मैंने 3 इंच तक रिपीट कर लिया है। तो यहाँ पे भी हमने 3 इंच बुना था और यहाँ पे भी 3 इंच, टोटल ये हो गया है अभी 6 इंच का बॉर्डर। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये जो बॉर्डर का पैटर्न है हल्का सा आप 2x2 का रिबिंग चेंज करोगे तो आपको इस तरह से ये जो है परफेक्ट फिक्स हो जाता है ऐसे खड़ा। अगर जब आप नॉर्मल इसी तरह से जो लंबा बुनते हो तो जब आप फोल्ड करते हो तो यहाँ पे एक डोम शेप बन जाता है जो मोटा दिखेगा। अगर आप हल्का सा डिफरेंट करके इस तरह से बनाओगे तो ये जो होगा सांचे में एक के अंदर ये एक सांचे जैसा बन जाएगा। आप देख सकते हो उल्टे की जगह पे सीधा लाइन है, तो यहाँ पे इस तरह से ये अंदर फंस जाता है और ये जो डबल बॉर्डर है एकदम फिक्स बन जाता है, ये डोम शेप नहीं बैठता है। जब आप खींचते हो तो यहाँ पे इस तरह से ये आराम से बन जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो डबल बॉर्डर है आप चाहे तो डबल करके जो कैप बनाते हैं
कैप के लिए इसके ऊपर आप कैप बना सकते हो, या आप अगर स्वेटर बना रहे हो तो इस तरह से आप उल्टा रख के यहाँ से आप डिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे ये डबल बॉर्डर बन जाएगा और यहाँ से आराम से ये बंद हो जाएगा और उतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आप यहाँ से गले का डिवीजन भी आप कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से, स्पेशली जब आप कैप बुनते हो तो इस तरह से आप डबल बॉर्डर बुनेंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से ज़रूर, ये हल्का सा एक ट्रिक है, आप अपने कैप्स में या गले में, इसको स्वेटर के गले में इसको ट्राई कर सकते हैं। या ये 6 इंच का कंप्लीट हो गया है डबल बॉर्डर। आप चाहे तो अभी ये 4-4 इंच का भी आप टोटल 8 इंच भी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे टोटल हैं 90 स्टिचेस एंड यहाँ पे मैं हल्का पैटर्न केबल का डाल रही हूँ, तो उसके लिए मुझे मल्टीपल ऑफ 4+2 चाहिए। तो उसके हिसाब से ये मल्टीपल ऑफ 4+2 के हिसाब से ये 90 स्टिचेस यहाँ पे बराबर हो गए हैं। पैटर्न रो 1 हम स्टार्ट करते हैं। ये 4 रोज़ का पैटर्न है, वही 4 रोज़ आपको रिपीट करना है। तो यहाँ पे रो 1 रिपीटेशन शुरू होगा। फर्स्ट 2 स्टिचेस हम उल्टा बुनेंगे, पर्ल 2, 2 उल्टे बुने, धागा पीछे लेके। नेक्स्ट 2 स्टिचेस हम क्रॉस करेंगे केबल, फर्स्ट 1 स्किप करेंगे, ये जो बैक का है, सेकेंड स्टिच का, ये हम बैक लूप से इसको सीधा बुनेंगे इस तरह से। नीट द सेकेंड स्टिच फ्रॉम बैक लूप एंड देन नीट द फर्स्ट स्टिच फ्रॉम बैक लूप। इस तरह से हल्का ढीला लीजिएगा इसको और दोनों को स्किप करेंगे। यही हमें रिपीट करना है। अगेन 2 उल्टे, फिर धागा पीछे लेके, वही हमें रिपीट करना है। पहले हमें सेकेंड स्टिच को बैक लूप से बुनेंगे, नेक्स्ट फर्स्ट स्टिच को बैक लूप से बुनेंगे। तो इसी तरह हम इसको रिपीट करते हुए जाएंगे। 2 उल्टे, फिर पहले सेकेंड स्टिच हम बैक लूप से बुनेंगे, नेक्स्ट फर्स्ट स्टिच हम बैक लूप से बुनेंगे। इसी तरह से हम इसको रिपीट एंड तक करते जाएंगे। पर्ल 2 एंड केबल। ये एंड तक इसी तरह रिपीट करेंगे रो 1। तो इस पैटर्न में जो उल्टी बुनाई है, उल्टी के ऊपर उल्टा बुनाई ही आएगी, तो पैटर्न सेम रहेगा। अगर आप ज़्यादा भी फंदे डालेंगे या कम फंदे डालेंगे तो आप ये ध्यान में दीजिए, जब आप पैटर्न स्टार्ट करते हो तो उल्टी डिज़ाइन पे उल्टा ही आना चाहिए। जो ये सीधी बुनाई है, सीधी वाले के ऊपर हमें क्रॉस करेंगे। तो ये सीधी बुनाई के ऊपर ही ये पैटर्न बैठता जाएगा। तो इसी तरह ये रिपीट करेंगे। इसी तरह हम रिपीट करते हुए एंड तक आ गए हैं। लास्ट के 2 स्टिचेस बचे हैं, उनको हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये इवन आप मल्टीपल ऑफ 4 करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं। 88 स्टिचेस लेंगे तो यहाँ पे उल्टा स्टिचेस से हमने शुरू किया था तो यहाँ पे सीधी बिनाई पे कंप्लीट होगी, तब आप परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे यहाँ पे 2 स्टिचेस हैं तो मैं इनको वैसे ही रहने दिया, क्योंकि ये रिबिंग है तो उतना ज़्यादा ये दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे रो 1 कंप्लीट हो गया है। रो 2 जो जैसे दिखता है वैसे हमें रिपीट करना है। एज स्टिच मैंने उतार लिया, 2 सीधे बुने, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे,
नेक्स्ट दो उल्टे दिख रहे हैं, तो दो उल्टे, फिर दो सीधे, फिर दो उल्टे। इसी तरह ये रो पूरा कंप्लीट करेंगे। रो टू यहाँ पे फिनिश हो गया। रो थ्री अगेन जो जैसे है वैसे ही हम बुना है। फर्स्ट उल्टे दिख रहे हैं तो हम उल्टे ही बुनेंगे। फर्स्ट एज स्टिच स्लिप कर लिया और नेक्स्ट स्टिच उल्टा बुना। फर्स्ट टू स्टिचेस उल्टे हो गए, फिर ये दो सीधे हैं, सीधे रो थ्री, दो उल्टे दो सीधे, फिर दो उल्टे, फिर दो सीधे। इसी तरह से रो थ्री कंप्लीट करेंगे। रो थ्री कंप्लीट हो गया। रो फोर अगेन हमें वैसे ही दो उल्टे दो सीधे, जैसे जैसे दिखते हैं दो सीधे और ये दो उल्टे उल्टे दिख रहे हैं, उल्टे दिख रहे हैं तो उल्टे बुनेंगे। यही फोर रोज आपको रिपीट करते जाना है। रो वन टू रो फोर रिटर्न इंस्ट्रक्शन आपको स्क्रीन के ऊपर मिलता जाएगा। इसी तरह से ये भी रो फोर कंप्लीट करेंगे। यही रो वन टू लेकर रो फोर तक आपको रिपीट करते जाना है, जहाँ तक आपके हेड के क्राउन पार्ट तक नहीं आता। ये यहाँ से बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर ये इसके ऊपर इतना सा आपको ये सेम पैटर्न हम बनाते जाएंगे। बाद में इसको घटाना पड़ेगा, तो घटाना कैसा है वो भी देखेंगे बाद में। तो ये मेरी सेम फोर रोज मैं रिपीट करते हुए जाऊंगी। अब यहाँ से यही फोर रोज का जो पैटर्न है रो वन टू रो फोर रिपीट करते हुए मैंने गया हुआ है। तो यह लेंथ जो है इसको फोल्ड करने के बाद, क्योंकि ये कैप का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ ये जो 90 स्टिचेस मैंने डाले हुए हैं ये 3 इयर्स से लेकर अप 7 to 8 इयर्स बच्चे के लिए ये बराबर हो जाएगा 90 स्टिचेस। ओनली आपको लेंथ में वेरिएशन रखना होगा। आप जिस बच्चे के लिए एज के लिए बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आपको ये लेंथ रखना होगा। तो अगर हम सिलाई की बात करेंगे तो वह चार चार सिलाई की जो फोर रोज का रिपीटेशन था वो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स मैंने रिपीट किया है। 9 to अभी मैं 10 टाइम्स और एक बार मैं रिपीट करूँगी। जस्ट मैं आपको दिखाना चाहती थी कि एक लंबा सा दिखाने के बाद ये किस तरह से ये लगेगा सिलने के बाद। तो ये हल्का सा केबल का पैटर्न है एंड ये बैक साइड इस तरह से मिलेगा आपको। दोनों साइड वेयरेबल रहता है एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल रहता है। एंड एज पर्टिकुलर एज के लिए नहीं, ये आराम से 3 साल से लेकर 7-8 साल के बच्चे तक ये आ जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है तो आराम से वो पहन भी सकते हैं। तो मैं ये टोटल 10 टाइम्स और एक बार मैं रिपीट कम्प्लीट कर लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे टोटल 10 टाइम्स रिपीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 के बाद हम इमीडिएट यहाँ पे घटाना शुरू करेंगे। अब आपको मेजरमेंट के हिसाब से, अगर आप यहाँ से मेजरमेंट करोगे तो मैं आपको टेप से एक बार दिखा देती हूँ कितना ये मेजरमेंट लगेगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अराउंड 9 इंच 8.5 इंच है। आप यहाँ देख सकते हो ये 8.5 इंच की लंबाई मैंने कंप्लीट कर ली है। ये जब हम फोल्ड करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लंबाई अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे फंदे सडन डिक्रीज या फंदों को घटाना स्टार्ट करेंगे। तो जो ये उल्टे फंदे हमें दिख रहे हैं, उल्टों फंदों को हमें 2 का 1 करते हुए जाना है। 2 को इस तरह से दोनों को मिला के इस तरह से हम
दो का एक बुन लेंगे और धागे को पीछे लेंगे। ये जो दो हैं दो सीधे बुनेंगे, फिर इन दोनों को जो उल्टे हैं दो स्टिचेस उन दोनों को पर्ल टू टुगेदर इसी तरह से हम ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से ये रो पूरा कंप्लीट कर लूंगी मैं। तो इस तरह से घटा लिया है, लास्ट भी हमने दो का एक कर लिया। अब रॉन्ग साइड आ गए हैं तो रॉन्ग साइड पे भी हमें सेम थिंग रिपीट करना है। फर्स्ट स्टिच उतार लिया है, अब यहाँ पे जो दो स्टिचेस हमने सीधे बुने थे वो यहाँ पे दो का एक उल्टा हो जाएगा, तो ये दो का एक हम इमीडिएट घटाएंगे और इन दोनों को जो दो उल्टे दिखते हैं उनको घटाएंगे और ये एक ही बच्चा है तो इसको एक सीधा बुनेंगे, फिर इन दोनों को दो का एक करेंगे, फिर ये एक स्टिच है इसको एक ही सीधा बुन लेंगे, ये जो नेक्स्ट टू स्टिच है इन टू स्टिचेस को उल्टा बुनेंगे, तो इसी तरह ये घटाई ये रो में जो दो उल्टे दिखते हैं उल्टे स्टिचेस को पर्ल टू टुगेदर करेंगे, निट स्टिच को निट वन करेंगे, तो ये इसी तरह रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड रो यहाँ पे भी हमने घटा लिया है, अब नेक्स्ट रो थर्ड पे भी हम एज स्टिच मैंने उतार लिया है, यहाँ पे सिंपल निट टू टुगेदर हम करते जाएंगे नेक्स्ट स्टिच से इन दोनों स्टिचेस को निट टू टुगेदर, हर दो स्टिचेस को इसी तरह से ये पूरा रो हम इसी तरह करेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे घटाते हुए कुछ फंदे बट गए हैं, अभी भी ये रॉन्ग साइड पे आ गए हैं हम, तो रॉन्ग साइड पे हम इसको सारे उल्टे स्टिचेस दिख रहे हैं तो यहाँ पे उल्टी तरफ हम जस्ट दो का एक करते हुए जाएंगे, पर्ल टू टुगेदर इसी तरह से ये सारे दो का एक करते हुए जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे दो का एक किया, ये लास्ट एक स्टिच बचा है तो मैं जस्ट इसको उल्टा बुन लूंगी, तो ये यहाँ पे अब कुछ ही फंदे बच गए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 स्टिचेस बच गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे कुछ लंबा छोड़ के, क्योंकि हमें सिलने के लिए भी चाहिए, तो कुछ लंबा छोड़ के मैं थ्रेड को कट कर लूँगी और सुई में डाल लूँगी। अब यहाँ पे सुई में डाल लिया है तो इनको हम जस्ट सिल लेंगे, तो यहाँ से ये धागा निकला है तो इसी स्टिच में हम इस तरह से सारे स्टिच के अंदर से हम इस थ्रेड को निकाल लेंगे। आप चाहे तो और एक बार घटा सकते हो या दो का एक कर सकते हो नीट टू टुगेदर, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि 12 स्टिचेस बराबर हैं तो मैं इतना ही स्टॉप कर दिया मैं घटाना। तो ये इस तरह से अंदर से ये ले लिया, अब यहाँ पे हमें आप देख सकते हो ये राउंड बन जाता है इस तरह से।
अंदर ले लोगे तो राउंड से हो जाएगा। अब हमें ये जो एज दिख रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, इसी में से इन सारे स्टिचेस में दो तीन बार हम इसी के अंदर से धागे को लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए, क्योंकि एक ही थ्रेड होगा, अगर कट हो जाएगा तो पूरा कैप ओपन हो सकता है। तो यहाँ से हम इसको फिक्स कर लेंगे, जस्ट दो तीन सिलाई हम इसके अंदर से ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें ये राउंड टॉप मिल जाएगा और यहाँ से धागा आ रहा है, तो मैं और दो बार में इसी के अंदर से, इन्हीं स्टिचेस के अंदर से मैं लूँगी। यहाँ पे आप अर्जेंट नहीं कीजिए, यही इसी इन्हीं स्टिचेस के अंदर से आप लीजिए ताकि ये कैप टॉप से बहुत ही खूबसूरत राउंड शेप आएगा। अगर आप यहाँ पे अर्जेंट करके नीचे से स्टिचेस में आप खींचने लगोगे तो ये खींचेगा तो ये प्रॉपर इस तरह से राउंड नहीं आएगा। तो मैं जस्ट और एक बार यहाँ पे इसकी इसी के अंदर से ले लूँगी इस तरह से। ये राउंड कैप टॉप से आप देख सकते हो राउंड आ गया है। अब ये राइट साइड है हमारा, सीधी तरफ डिज़ाइन ऊपर है तो हमें इस तरह से ऊपर रखूँगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा रो ओ। अब यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे तो ये जो है इस तरह से यहाँ से अंदर जो वी हमें नज़र आएंगे हर एक स्टिच का, और नेक्स्ट जो फर्स्ट स्टिच है इसके अंदर, यहाँ बाहर से अंदर, फिर ये ऊपर का स्टिच वी जो नज़र आ रहा है इसके अंदर से, फिर इस नेक्स्ट स्टिच के अंदर, इसी तरह से हम ये पूरा कैप सिल देंगे। और यहाँ से भी अंदर डालेंगे इस साइड और यहाँ पे इस तरह से। तो इसी तरह से ये पूरा सिलते हुए जाएंगे। अब ये उल्टा मैंने यहाँ से सिल लिया है, ये काइंड ऑफ घाट घाट नहीं आएंगे, इस तरह से आप सिलोगे तो काइंड ऑफ टेक्सचर आएगा। तो मैं यहाँ से एक्स्ट्रा जो थ्रेड था मैं कट कर लिया अंदर इंसर्ट करके, और अब हम इसको सीधा करेंगे। ये स्ट्रेचेबल होता है, अब ये इस तरह से हम डबल करेंगे तो इस तरह से ये इतना हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हो या आप यहाँ पे ईयर फ्लैप बना सकते हो। तो एयर फ्लैप, अब हम एयर फ्लैप का फंदे उठाएंगे। ये इसका हमने सी दिया और ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया। आप इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं, स्पेशली नाइट में डालने के लिए या बांधने के लिए आपको एयर फ्लैप भी चाहिए, तो हम यहाँ पे छोटा सा एयर फ्लैप बनाएंगे दोनों तरफ, जो आप अपने बच्चे को डाल के देखिए इस तरह से, जहाँ पे कान के पार्ट आते हैं वहाँ पे आप मेजर कीजिए कितना आपको बड़ा सा आपको ईयर फ्लैप चाहिए, वहाँ पे मार्क डाल लीजिए। मैं जस्ट क्योंकि ये लेंथ बराबर है तो जस्ट मैंने तीन इस तरह से जो दिख रहे हैं आपको टू का, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से इतना मैंने पोर्शन निकाले। आप चाहे तो बड़ा ले सकते हो या इतना ही रख सकते हो, तो अपने बच्चे को डाल के देखिए, जितना आपका कान का पार्ट होता है उतना आप मार्क लगा लीजिए एक तरफ, एंड इस तरह से करके एग्जैक्ट उसी जगह पे एग्जैक्ट इतना ही दोनों तरफ आपको छोड़ना होगा और दोनों तरफ आप पिन लगा के रख दीजिए। अब यहाँ पर हम फंदे उठाएँगे,
यहाँ पे आप डबल लेयर भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे जस्ट सिंगल लेयर बना के बना रही हूँ। मैं सिंगल लेयर क्यों बना रही हूँ मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये यहाँ पे तीन है, तो ये जो पार्ट आता है बेस में हमें, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे जो ये वी नज़र आ रहे हैं, ये मैं पिन निकाल दूँगी। तो ये जो वी आ रहा है, वी का लाइन, और ये यहाँ एक वी का लाइन है, तो इन वी के लाइन जो है वहाँ पे हम इस तरह से, ये जो वी दिख रहा है यहाँ पे दो फंदे उठेंगे और नेक्स्ट वी में दो फंदे, यहाँ पे चार हो गए और बीच में ये यहाँ पे दो फंदे हैं, तो हम दो ही उठाएंगे उधर। इसके यहाँ पे आप अगर चार उठाते हैं तो इस साइड का आप देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार मिल जाएंगे, तो ये यहाँ से और ये यहाँ से चार, तो इस साइड देखिए, ये यहाँ पे आपको उठाने में आसान हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इन स्टिचेस में ये दो, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दो स्टिचेस और नेक्स्ट लाइन में दो, इसी तरह आपको फंदे दिखते जाएंगे। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हम दो उठाएंगे और नेक्स्ट यहाँ पे दो उठाएंगे, फिर लास्ट में जो यहाँ पे है इन दोनों में दो पार्ट है, यहाँ पे चार उठ गए टोटल। यहाँ पे ये मैं पिन निकाल दूंगी, टोटल यहाँ पे मेरे उठे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यहाँ पे टोटल इस तरह से ये 20 स्टिचेस उठ गए हैं। तो ये हमारा राइट साइड है, तो एक बार मैं यहाँ पे कंप्लीट राइट सीधा ही बुन लूँगी। इस तरह से यहाँ पे मैं नीडल डाल के ये नया धागा अटैच कर लूँगी, इस तरह से फोल्ड करके, ये हो गया। अब यहाँ मैं इसी को इस तरह से रोल कर लूँगी, रोल करके सारे स्टिचेस को मैं जस्ट एक बार सीधा बुन लूँगी। ये सारे स्टिचेस सीधा बुन लूँगी मैं, ये हम लास्ट तक उल्टा बुन लिया, एक रो हो गया। अब रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड पूरा मैं उल्टा बुन लूँगी, क्योंकि ईयर को हल्का सा ये कवर करने के लिए एक चार या छः लाइन या आठ लाइन का आप एक स्क्वायर तक बना सकते हो, या आप डायरेक्ट यहाँ से एंगल पे घटाना भी शुरू कर सकते हो। तो ये मैं सारे स्टिचेस उल्टा बुन लूंगी। इसी तरह से और दो रो में, दो या चार रो और मैं सीधा और उल्टी तरफ उल्टा बुन लूंगी। यहाँ पे टोटल मैंने 6 रोज बुन लिए, 6 रो यहाँ से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 6। अब 7th रो पे हैं, 7th रो पे आप चाहे तो अभी लंबा चाहे तो बना सकते हो, ये डिपेंड करता है इतने ऊपर से, क्योंकि ये ऑलरेडी आधा कान ये कवर करता है, तो जस्ट उतना नहीं चाहिए होगा। तो अगर आप डायरेक्ट ये पैटर्न शुरू करते हैं तो आपको ये बड़ा चाहिए होगा, तो मैं इतना ही 6 रोज का ही, 6 लाइन का ही मैंने ये स्टॉकिंग स्टिच सीधी उल्टी का बुन लिया है। अब हम घटाना शुरू करेंगे,
फर्स्ट स्टिच मैंने उतारा। यहाँ पे जो दोनों हैं इन दोनों को हम पलट लेंगे, इस तरह से पलट के बैक लूप से दो का एक कर लेंगे, नीट टू टुगेदर। अब बाकी के सेंटर के स्टिच सीधा बुनेंगे, लास्ट के तीन स्टिच बचने तक हर साइड आपको, हर बार आपको राइट साइड इसी तरह करना है। तीन स्टिच बचे हैं तो फर्स्ट टू स्टिचेस को हम दो का एक करेंगे, नीट टू टुगेदर, फिर ये लास्ट का स्टिच। हर रॉन्ग साइड करो, उल्टा ही बुना जाएगा। रॉन्ग साइड का रो पूरा उल्टा बुना हमने, फिर राइट साइड आ गए हैं, एज स्टिच स्लिप कर लिया, फिर ये दोनों जो स्टिच हैं इस तरह से पलट के डाल देंगे और दोनों को बैक लूप से नीट टू टुगेदर दोनों को एक करके बुन लिया। और अगेन सेंटर के स्टिचेस को हम सीधा बुनेंगे, इन दोनों स्टिचेस को नीट टू टुगेदर। लास्ट के हमें चार स्टिचेस बचने तक यही रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे इसी तरह घटाते हुए एक लीफ का पैटर्न ले लिया है। अब ये फोर स्टिचेस बचे हैं तो फोर स्टिचेस बचने के बाद हम यहाँ पे आप चाहे तो सिक्स या एट स्टिच बचेंगे तब आप इसको फ्लैट उल्टी उल्टी बुनाई का पट्टी भी बना सकते हो, फ्लैट वाला पट्टी, या आप यहाँ पे आईकॉर्ड बना सकते हो। मैं यहाँ पे आईकॉर्ड बना रही हूँ। आईकॉर्ड के अलग अलग वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप कैसे 2, 3, 4, 5 या 6 स्टिचेस लेके आप आईकॉर्ड बना सकते हो। यहाँ पे मैं 4 स्टिचेस यूज़ करके आईकॉर्ड बना रही हूँ। तो इसके लिए धागा अभी इधर है तो इनको हम फर्स्ट स्लिप कर लेंगे। नेक्स्ट तीन स्टिचेस को हम बुन लेंगे, तीनों स्टिचेस को। अब सारे स्टिचेस राइट नीडल पे हैं तो इनको हम लेफ्ट नीडल पे शिफ्ट कर लेंगे। 2, 3, 4 लेफ्ट नीडल पे शिफ्ट कर लिए और धागा इधर है। अब हम अगेन फर्स्ट स्टिचेस को बुनना शुरू करेंगे, थोड़ा खींच के 1, 2, 3, 4 चारों बुन लिया, फिर वापस इनको लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे। फिर धागा इस तरफ है तो इनको हम अगेन स्टार्टिंग से बुनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4 फिर हम लेफ्ट से सारे स्टिचेस लेफ्ट नीडल पे ले लिए, फिर हम स्टार्टिंग से बुनना शुरू करेंगे। आपको जितना लंबा ये कॉर्ड चाहिए अपने हिसाब से, या छोटा सा बटन पट्टी बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, या लंबा सा बांधने के लिए लंबा चाहिए तो लंबा बना सकते हो। ये इस तरह से बुनते जाओगे तो ये गोल एक डोरी बहुत ही सॉफ्ट बनती है और ये चुभेगा भी नहीं बच्चों के लिए। तो ये मैं एक हाथ की लंबाई तक मैं इसको कॉर्ड को कंप्लीट करूँगी। इसी तरह से दूसरे साइड भी ईयर फ्लैप मैं कंप्लीट कर लूँगी। तब इसी तरह हमने
एक हाथ से लंबा ये जो है कॉर्ड बनाया है कॉर्ड डोरी, आप अपने हिसाब से लंबा छोटा बना सकते हो या आप यहीं से इसको एक छोटा सा बटन भी ऐसे बना सकते हो अपने हिसाब से, आप अपने जैसे आप चाहते हो वैसे बना सकते हो। तो जब आपके लेंथ कंप्लीट हो जाती है तो आपको इसको बंद कैसे करना है कॉर्ड को, तो इन चारों स्टिचेस को वापस हम पहले की तरह लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे। धागा तो इधर ही है, तो इसको घटाना कैसा है, तो चार स्टिच हैं, तो चार स्टिच में हम फर्स्ट टू स्टिचेस को एक साथ इस तरह से बुनेंगे, फिर नेक्स्ट टू स्टिचेस को एक साथ बुन लेंगे। अब ये दो स्टिच बचे हैं, तो ये जो प्रीवियस स्टिच है पहला वाला स्टिच, इसके ऊपर से नीचे डालेंगे और ये एक लूप बच गया है। तो अब इस लेंथ हो गया है तो हम इसका थ्रेड को कट करेंगे और इसको इसके अंदर से डाल के खींच लेंगे ताकि ये नॉट पक्का हो जाए। ये कॉर्ड हो गया। अब कोई भी सुई से या इस तरह से जो क्रोशिया हुक है, आप ये डोरी देख सकते हो राउंड एंड बिल्कुल सॉफ्ट डोरी बनता है। इस तरह की डोरी आप कैप में बनाओगे तो बच्चे को गले में चुभेगा भी नहीं, रात भर वो आराम से पहने रहेंगे, क्योंकि चुभने की वजह से कैप निकाल देते हैं बच्चे, तो ये बहुत ही बढ़िया है। अब इसी में चलते, अगर मोटा और भी मोटा थोड़ा सा जाते हो तो आप 4 की जगह पे 5 या 6 स्टिचेस डाल के भी सेम वे में आप कर सकते हो। जो ये टेल बचा हुआ है ये इसके बीच में, ये जो क्रोशिया हुक के इसके बीच में से हम इस तरह से निकाल देंगे एंड तक, क्रोशिया निकाल के ये जो थ्रेड है इसके अंदर घुसा देंगे, इस तरह से हम निकाल लेंगे इसके अंदर से, ताकि वो फिनिशिंग प्रॉपरली आ जाए। जो भी आपका एक्स्ट्रा अच्छे से खींच लीजिए ताकि ये बड़ा अंदर अंदर तक जाए, और ये एक्स्ट्रा जो है हम कट कर देंगे। तो ये बेबी कैप हल्का सा केबल पैटर्न के साथ विथ ईयर फ्लैप के साथ रेडी हो गया है, आप ये देख सकते हो। ये जो पैटर्न है रिब का मेथड है, रिबिंग का मेथड के जैसे आएगा, तो ये जो पैटर्न आराम से 3 साल से बच्चे से लेकर आपको 8 साल के बच्चे तक आराम से आ जाएगा। ये जो 90 स्टिचेस हैं तो ये आराम से डाल सकते हो। तो इस तरह से आप नॉट डाल के हमारा ईयर फ्लैप वाला, अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो ईयर फ्लैप छोड़ दीजिए, ऐसे ही बना दीजिएगा। अगर आप ये डबल लेयर, क्योंकि ये मैंने डबल लेयर क्यों नहीं बनाया मैं आपको दिखाती हूँ, जब आप इसको अगर डालते भी हो, अगर आप इस तरह से डालोगे तो ये डबल लेयर भी बन जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे डबल लेयर होता है तो हमें ज़्यादा मोटा करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसके वजह से मैंने यहाँ पे डबल लेयर नहीं किया है। अगर आप डायरेक्ट पैटर्न से शुरू कर रहे हो बॉर्डर के बिना पैटर्न से, तो यहाँ पे आपको कान की पट्टी डबल लेयर बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको डबल लेयर का ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, दूसरे कैप में मैं लगा के बता दूँगी। तो ये है 3 to 7-8 ईयर बच्चे के लिए आने वाला पैटर्न। अब मैं आपको अलग अलग एज के लिए कैसे आप डाल सकते हो, अब अगर आप 0 to 1 ईयर बेबी के लिए डालना चाहते हो तो आप 70 फंदे, 0 to 6 month अगर बच्चे के लिए डालना चाहते हो तो आप इसको 70 फंदे डालिए। अगर आप 6 months to 1 and 1.5 year बच्चे के लिए डालना चाहते हो तो 80 फंदे डालिएगा। अगर आपको 2 years से ऊपर के बच्चों को डालना है, अराउंड 8 to 9 years बच्चे तक आपको 90 फंदे अगर आप डालोगे, ये तो ओसवाल का मोटा ऊल है, इसके लिए मैंने 90 फंदे डाले हैं। और यहाँ पे लिया है 9 नंबर का निटिंग नीडल,
तो ऊन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका ऊन पतला है तो आप यहाँ पे, अगर बहुत ज़्यादा पतला है आपका ऊन हो तो यहाँ पे आप 100 फंदे डाल सकते हो, या आपका ऊन इसी तरह है तो आप 80 to 90 फंदे, 3 to आराम से 3 to 7-8 ईयर बच्चे के लिए आप डाल सकते हो। आप लेंथ तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। अब जितना भी बच्चे के लिए बना रहे हो तो आप, आपके जितना हाथ रहता है आप इतना ही बच्चे को सिर का माप बराबर हो जाता है। थोड़ा ऊपर नीचे आप करोगे आधा इंच या 1 इंच तक, तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो। तो ये इस तरह से एयर फ्रैप वाला, इस गर्मी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से गर्म करने वाला है आने वाले सर्दी में। बहुत जल्दी भी फिनिश हो जाता है, किसी के लिए भी आप बना के गिफ्ट भी कर सकते हो। तो ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे चैनल पे। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के आपको कैप के पैटर्न्स मिल जाएंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको नए वीडियोस नोटिफाई हो पाए। मेरा और भी एक चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें भी कुछ डिफरेंट तरीके के वीडियोस हैं, एक बार विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो, हेल्पफुल लगते हैं तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ज़रूर इस कैप को ट्राई कीजिए इस विंटर में एंड मुझे ट्राई करके बताइए कैसा बना आपका कैप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।